नरेला से भोरगढ़ तक पीडब्ल्यूडी की सड़क और पैदल पार पथ पर अवैध कब्जे किए जा रहे हैं। यही नहीं, फुटपाथ पर अवैध दुकानों में खुलेआम बिजली की चोरी चल रही है। दिल्ली नरेला से बिहार उत्तर प्रदेश रोज बसों में सैकड़ों की संख्या में ठूस ठूस कर लोग लाए व ले जाए जाते हैं। ट्रैफिक पुलिस, स्थानीय पुलिस, एमसीडी और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की आंखें बंद हैं। बिजली विभाग के अधिकारियों की आंखें रात में चल रही बिजली की चोरी को नहीं देख पाती। ये है दिल्ली जो जैसे मर्जी लूट ले, सबकी लूट माफ। अक्टूबर से धान नरेला अनाज मंडी में आने आरंभ हो चुके हैं, जिस कारण सड़कों पर जाम जैसे हालात देखने को मिलते हैं। ऐसे में ही पैदल पथ खाली नहीं होने से वाहनों की चपेट में आने के कारण लोग अपाहिज हो जाते हैं या अपनी जान गंवा देते हैं। नरेला में जाम का मुख्य कारण आप देख सकते हैं, पीडब्ल्यूडी के फुटपाथ को पूरी तरह से घेर दिया गया है और यहाँ पर अब आप देख सकते हैं फुटपाथ को किस तरह से घेर कर यहाँ दुकानें चलाई जा रही हैं। उसके साथ साथ यहाँ ट्रेवल्स एजेंसियाँ खोल दी गई हैं और पहले फुटपाथ को घेरा, फिर उसके बाद ट्रेवल्स एजेंसियों ने बोर्ड रखे, टेबल रखी और सीधा रोड पर आकर, यही नहीं बिजली की भी यहाँ चोरी की जा रही है। यहाँ जितने भी ये घेर कर रखे गए हैं, इन सभी के अंदर आप देख सकते हैं होटल, यहाँ ढाबे चलाए जा रहे हैं और यहाँ कोई भी रोक टोक नहीं है। आप ये देख रहे हैं यहाँ बिजली का पूरा इंतजाम करके रखा गया है। यहाँ देख रहे हैं होटल किस तरह से देख रहे हैं, यहाँ पूरा घेर कर रखा गया है और रोड, यहाँ गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं और हाइट और लोड और पोल्यूशन को लेकर दिल्ली सरकार गंभीर जरूर है, लेकिन जो गंभीरता होनी चाहिए वो नज़र नहीं आती। अब यहाँ पर रोड पूरी तरह से डीडे का रोड है ये, और इस फ्लाईओवर की वजह से यहाँ टूटा हुआ रोड जिसमें बड़े बड़े गड्ढे हैं आप देख सकते हैं पूरी तरह से यहाँ, और जब यहाँ गाड़ियाँ निकलती है तो यहाँ से धूल बहुत भारी मात्रा में निकलती है। आप ये देख रहे हैं और ये नरेला से लेकर गांव भोरगढ़ तक ये सभी ट्रेवल्स एजेंसियों ने जगह को घेर लिया है और यहां पर आप देख सकते हैं ये पीडब्ल्यूडी के सड़क को किस तरह से घेर कर रखा, और यहां पर देख रहे हैं आप ये ट्रेवल्स एजेंसियों के इतने लोग यहाँ बैठे हुए हैं और कोई मास्क नहीं है किसी के चेहरे पर। नरेला से भोरगढ़ तक ट्रैवल एजेंसियां चल रही हैं सब कानून को तोड़कर। देखना होगा कब इन ट्रैवल एजेंसियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर पैदल पथ को खाली करा पैदल चलने वाले लोगों की जान बचाने में सहायक होगी दिल्ली पुलिस।